I'm Shweta and welcome on my YouTube channel. So guys, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY. Recently मैंने YouTube पे जावेद हबीब की एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर आपके बालों में बर्निंग की प्रॉब्लम है या फिर आपके बाल डैमेज हैं तो ऐसे कौन से दो प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज़ करने से आप अपने बालों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो गाइज मैंने भी सोचा ठीक है दो ही तो प्रोडक्ट्स हैं, कौन से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, मैं भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ. वैसे मेरे बालों में कोई भी डैमेजिंग प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने अपने बालों में ना तो कोई रिबॉन्डिंग करा रखी है, मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट हैं. एंड इसके अलावा मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मेरे बालों में मॉइस्चर की कमी है, थोड़े ड्राई रहते हैं. तो आई डिसाइडेड कि क्यों ना एक बार मैं भी इस DIY को ट्राई करके देखती हूँ कि इससे क्या मेरे बालों पर इफ़ेक्ट पड़ता है. तो चलिए गाइस पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे उसके रिजल्ट्स कैसे लगे हैं. यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये खादी का हेयर ऑयल, ये मैंने nykaa.com से ऑर्डर किया था. एंड अब मैं ले रही हूँ ये वाव एलोवेरा जेल. आप चाहें तो अपनी कोई भी पसंद का या फिर नेचुरल एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं. अब मैं इस ग्लास बाउल में लूँगी ये नीम हेयर ऑयल. आपको अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग हेयर ऑयल लेना है. काफ़ी डार्क ग्रीन कलर का ये ऑयल है. इसकी फ्रेगनेंस ठीक ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट एनीवे बेनिफिट्स अच्छे होने चाहिए. अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये जेल. आपको हेयर ऑयल से थोड़ी सी कम क्वांटिटी में जेल लेना है और जेल लेने के बाद एक ब्रश की मदद से मैं इसे करूँगी अच्छी तरीके से मिक्स. और मिक्स करने के इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का हो जाएगा. और इसके बाद मैं अपने हेयर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी और दूसरी तरफ के जो हेयर्स हैं उनको अच्छी तरीके से फोल्ड करने के बाद मैं एक पिन से अपने हेयर्स को सिक्योर कर लूँगी. मैंने अपने हेयर्स को सिक्योर कर लिया है. एंड सिक्योर करने के बाद अब मैं अपने दूसरे साइड के हेयर्स को लूँगी और इसको बीच के पार्ट से अच्छी तरीके से डिवाइड करूँगी. और डिवाइड करने के बाद जो मेरा बैक वाला पोर्शन है उस वाले हेयर को भी मैं एक पिन से सिक्योर कर लूँगी. सिक्योर करने के बाद हेयर्स को अच्छी तरीके से कॉम कर लूँगी. एंड कॉम करने के बाद मैं बीच से अपने हेयर्स को डिवाइड करूँगी. एंड डिवाइड करने के बाद मैं अपने एंड से लगाना शुरू करूँगी उस मिक्सचर को. मैं ब्रश की हेल्प से पहले अपने एंड्स में लगाऊँगी और एंड्स में लगाने के बाद मैं स्लोली स्लोली अपने हेयर्स को ऊपर की ओर लगाना स्टार्ट करूँगी. आप देखिए मैं किस तरीके से इसको लगा रही हूँ. इस तरीके से ही आपको इनको अपने बालों में लगाना है. एंड इसके बाद मैं अपने बैक पोर्शन में भी अप्लाई करूँगी, अपने हेयर को ओपन करूँगी. ये थी वीडियो जिसमें मैंने सिर्फ टू प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे, नीम ऑयल और एलोवेरा जेल, जो इजीली अवेलेबल हैं. आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या फिर मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हैं. ट्रस्ट मी गाइस, मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे. वन यूज़ में ही आई कैन फील दैट माई हेयर्स आर सिल्क एंड सो सॉफ्ट. लाइक मैंने अभी अपने बालों में कॉम नहीं किया है, सिर्फ फिंगर कॉम से आप देख सकते हैं मेरे बाल बिल्कुल कॉम्ब हो जा रहे हैं.
तो दैट मीन्स कि मॉइस्चर है बालों में और मुझे अपने बाल बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं हो रहे. वैसे तो मेरी स्कैल्प एरिया में और जो इधर वाले हेयर्स हैं वो थोड़े से ऑयली ही रहते हैं, बट नीचे जो इसके एंड्स हैं वो काफ़ी ड्राई रहते हैं, लेकिन आज मैं इनको ज़्यादा ड्राई फील नहीं कर रही हूँ. तो मुझे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे. आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप भी इसको ट्राई आउट करिए. मेरी तरफ से थम्स अप है इस DIY को. एंड मैं भी अब इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना पसंद करूँगी. वैसे नीम ऑयल हमारे फेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है. ये थी मेरी आज की वीडियो. आई होप आपको पसंद आई होगी. अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.